हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज 20 मार्च को सी के तीसरे शिफ्ट का एग्जाम भी समाप्त हो गया है उम्मीद करते हैं जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर था सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा तीसरे शिफ्ट के रियल क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एक साथ लाइक बटन दबा दो और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सी का रोजाना ना एग्जाम एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस शिफ्ट में कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने जो है ना शुंग वंश की स्थापना की थी और ये शुंग वंश के प्रथम शासक थे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था करंट अफेयर का बीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में पूछा गया था कि कौन अध्यक्ष हैं बीसीआई के तो रोजर बिनी नए अध्यक्ष बने हैं बीसीआई के तो रोजर बिनी आपका राइट आंसर होगा एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन था सबने सही किया होगा एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है इससे पहले आपसे सी एच एस एल में आयरन लेडी पूछा गया था जो कि इंदिरा गांधी को कहते हैं और यहाँ पे जो लोह पुरुष है ना वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं तो ये तीन क्वेश्चन अभी तक बार बार पूछे जा रहे हैं ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन पे बना कि संविधान का अनुच्छेद ये किससे संबंधित है देखिए आर्टिकल से से दो क्वेश्चन मिले हैं मुझे आप बताइएगा दोनों में सभा का जो सभापति और सब, उप सभापति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा एक तो दूसरा क्या कहता है राज्यसभा यथा शक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी ठीक है तो बताइएगा आपके विकल्प में दोनों में से क्या दिया गया था ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पे आर्टिकल का मिला कि आर्टिकल 243 के एक स्टूडेंट बोल रहा था कि ये आया था तो अगर ये पूछा होगा तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको बता देता हूँ अगर आपसे आर्टिकल 243 के पूछा है तो इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान क्या रहेगा आरक्षित रहेंगे तो ये आपका संबंधित है आर्टिकल टू के से बताइएगा दोनों में से कौन सा अनुच्छेद पूछा था अनुच्छेद दो के या फिर नवासी अगला क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में आज कि जंगल नामा जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है देखिए बुक एंड ऑथर से भी दो क्वेश्चन मिले हैं बताइएगा क्लियर कीजिएगा दोनों में से कौन सा वाला पूछा गया था अगर दोनों पूछे गए थे तो आप जरूर कमेंट में मेरे को बताइएगा एक बार अगर जंगलनामा पुस्तक के लेखक पूछे हैं तो अमिताभ घोष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष जी की जितनी भी पुस्तकें हैं सभी को आप रट कर जाओ क्योंकि इनकी पुस्तक बहुत ज़्यादा सी एच एस एल पूछी जा रही है सी एच एस एल एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ पे ये मिला कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक एक स्टूडेंट ने बोला कि ये वाला पुस्तक पूछा था अगर ये पूछा है कि वाई आई एम हिंदू तो इस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि गंगा नदी जो है इलाहाबाद में किस से मिलती है देखिए जो इसे जो है ना ये जो संगम होता है इलाहाबाद में गंगा नदी को यहाँ पे एग्जाम में आपको इलाहाबाद की जगह प्रयागराज दिया होगा क्योंकि इसका अब नाम चेंज हो चुका है आपको पता होगा तो गंगा नदी जो है ना इलाहाबाद को हो चाहे प्रयागराज को जो जहां पे मिलती है उस संगम को हम बोलेंगे त्रिवेणी संगम जो कि गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम कहा जाता है त्रिवेणी संगम प्रयाग में स्थित है संगम के निकट इलाहाबाद का क्षेत्र इस कारण संगम को कभी कभी प्रयागराज भी कहा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन आया था कि उदार शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था सेकंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में भी युद्ध से क्वेश्चन आया लगातार सी में आपके युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हाल ही में जितने भी युद्ध अभ्यास हुए थे सभी आप याद करके जाइए एक क्वेश्चन वहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा उदार शक्ति युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये भारत और मलेशिया की वायुसेना के मध्य हुआ है ठीक है एक क्वेश्चन पे पूछा गया कि जगन जगन्नाथ जो रथ यात्रा है वो किस राज्य से निकाली जाती है तो जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ना ये में निकाली जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक स्टूडेंट बोल रहा था, कि ये वाला था कि बंगाल विभाजन से विभाजन से जो पहले है ना, वो बंगाल में कौन से दो राज्य थे ये क्वेश्चन ने कहा है बताना ये वाला पूछा था, अगर पूछा था तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला है बाकी देखिए जो जो नया प्रांत है ना जिसमें कर्मश्य क्या करेंगे हम पूर्वी बंगाल और आसाम उसमें शामिल थे जिसमें क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और आसाम का जो है ना अधीनस्थ मुख्यालय जो है चिटा गांगा था ठीक है तो आप मेरे को बताइएगा इसमें एग्जैक्ट आपको विकल्प क्या दिए थे और ये वाला क्वेश्चन जो था अगर पूछा था तो एग्जैक्ट जिनको भी याद है कमेंट में एक बार जरूर बताना मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में आज एक टेरा टेराबाइट में कितने बाइट्स होते हैं इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था तो एक ट्रिलियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है कंप्यूटर का क्वेश्चन था ये एक क्वेश्चन पे करंट अफेयर से देखने को मिला कि किस कंपनी ने 2022 में आईपीओ शुरू किया है तो देखिए आईपीओ तो काफी सारी कंपनियों ने शुरू किया है 2022 में पर स्टूडेंट ने कहा कि ऑप्शन में आपका अडानी विल्मार दिया था तो यहां पे अडानी विलमार अगर दिया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्राचीन में सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था प्राचीन भारत में अब यहाँ पे वर्तमान में तो आपको पता है कि जो सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से बात करें तो राजस्थान हो जाएगा और अगर अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रांत देखने को मिलता है पर अगर ये प्राचीन भारत का पूछा होगा तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए कलिंग राज्य ठीक है।, है तो बताया जाएगा कलिंग वाल ऑप्शन में आपका था क्या और ये क्वेश्चन आया था क्या ये भी एक बार कन्फर्म कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सारनाथ में किस प्रकार का चित्र बना हुआ है तो देखिए वाराणसी के उत्तर पूर्व दिशा में लगभग दस किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है सारनाथ जो है वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने अपने सबसे पहले शिष्यों के एक समूह को उपदेश दिया था यह वही स्थान भी है जहां बोध संघ कोडन्ना के ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया एक राजा जो भगवान बुद्ध का जो है ना आगे जाके भगवान बुद्ध बने ठीक है तो यहाँ पे आपसे जो है चित्र का पूछा गया था इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिएगा इसमें आपको विकल्प क्या दिए गए थे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि धारिता का ऐसा ही मात्र क्या होता है तो धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है कुलाम प्रति वोल्ट इसे अपने फेरेड भी कहेंगे ठीक है तो यहां पे इसे फेरेड भी कहते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो कुलाम प्रति वोल्ट होता है तो ये थे आज के सीएसएसएल तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन काफी कम क्वेश्चन मिल रहे हैं आखिरी दिनों में जिनको और क्वेश्चन याद है कमेंट कीजिएगा सभी के कमेंट पढ़ता हूं मैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करके ही वीडियो को एंड कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेलाइकन की जो घंटी है उसे ऑन करोगे तो आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी जय हिंद